morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your computer teacher. बच्चों हमने कंप्यूटर में लेसन 5 वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर में हम ये चैप्टर रीड कर चुके हैं. आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा. आज हम इस बुक की इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं. पेज नंबर 38 पर आ जाइए बच्चों. पेज नंबर 38 पर बुक एक्सरसाइज करेंगे. सभी ने इसे ध्यान से देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ए पार्ट, टिक राइट द करेक्ट आंसर. आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपको राइट आंसर को टिक करना है. ठीक है, फर्स्ट पढ़िए. ए कंप्यूटर वर्क्स इन डैश बेसिक स्टेप्स. एक कंप्यूटर जो होता है वो कितने बेसिक स्टेप्स में काम करता है? 3, 4 और 5 कितने में करता है? बच्चों हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ के अकॉर्डिंग काम करता है. ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो कितने उसके बेसिक स्टेप्स हैं? 3 हैं. ठीक है, तो आपने यहाँ 3 को चूज करना है और यहाँ फिलअप में फिल भी करना है. ठीक है, सेकंड है, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस. इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर. इनपुट डिवाइस जानते हो ना, वो जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो कौन सा है? कीबोर्ड. कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड पे चूज कीजिए. ठीक है, टिक करना है. थर्ड है, विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस. इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड. तो आप जानते हो कि आउटपुट डिवाइस वो होती है जो हमें रिजल्ट दिखाती है या बताती है ना, जिससे हम जो हमें चाहिए वो हम उस पर देख सकते हैं या सुन सकते हैं. तो इनमें से माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है आपकी? प्रिंटर. ठीक है, तो प्रिंटर को चूज करना है, इस पर राइट करना है. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. फोर्थ देखिए, द सीपीयू इज ए एन डैश डिवाइस. सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब इसके नाम में ही है प्रोसेसिंग, है ना, तो ये प्रोसेस करता है. तो सीपीयू इज एन प्रोसेसिंग डिवाइस. इनपुट डिवाइस भी नहीं है वो, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, वो है प्रोसेसिंग डिवाइस. PROCESSING, प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी ये काम करती है. ठीक है, आपने प्रोसेसिंग यहाँ भी फिल करना है. फर्स्ट में आपने 3 चूज किया, सेकंड में कीबोर्ड, थर्ड में प्रिंटर एंड फोर्थ में प्रोसेसिंग. चलिए अब बी पार्ट पर आ जाइए. फिलअप्स हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंटर डाटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस. क्रिया ऑफ चेंजिंग द इंटर डाटा, वो जो चेंज करता है, जो डाटा हमने इंटर किया है इनपुट की हेल्प से, वो उसको, वो डाटा कैसा है पहले तो हमारा मीनिंगफुल, उसको डाटा को वो जो भी हमने उसमें मांगा है वो इंटर किया है, फिर वो उसको क्या करता है, उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसकी बताता है, जो उसकी मीनिंगफुल जो भी उसकी अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, वो उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. PROCESSING, प्रोसेसिंग. यानी जो भी हमने मांगा इनपुट की हेल्प से, हमने जो भी डाटा इंटर किया हो, ठीक है, फिर उसका मीनिंगफुल अर्थ बना के हमें रिजल्ट दिया,
उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो जब ये जो काम हुआ है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फिल करना PROCESSING। सेकंड देखो, द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है और वो मीनिंगफुल भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। OUT आउट, PUT पुट, आउटपुट। याद करना आउटपुट कब मिलता है, आउटपुट का मतलब ही होता है रिजल्ट, ठीक है। अब डैश थर्ड वाला देखो, डैश एंड डैश दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। हम क्या इंटर करते हैं कंप्यूटर में, जिसको हम इनपुट कहते हैं, तो हम करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, DATA, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, INSTRACTION, इंस्ट्रक्शन। डाटा होता है जो भी हमें चाहिए वो, और इंस्ट्रक्शन उसको निर्देश देते हैं कि हमें इसको ऐसे चाहिए, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट पे आइए। द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द, जो आउटपुट डिस्प्ले करता है, शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑन द रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों आपको ए पार्ट और बी पार्ट पेज नंबर 38 पर अपना बुक में कंप्लीट करना है। हम इसके बाकी रिमाइंडिंग पार्ट हम कल करेंगे। सभी बच्चे लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। बाय, हैव ए नाइस डे।